मौसम समाचार में एक बार फिर से आपका स्वागत है। देश भर में मौसम का हाल जानने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आज हम बात करने वाले हैं साल 2022 में मॉनसून किस राज्य में कब तक पहुंचेगा। आपको बता दें, गर्मी से मिलेगी राहत। 15 मई को मौसम की पहली बारिश की उम्मीद। दो दिन बाद अंडमान पहुंचेगा दक्षिण पश्चिम मानसून। भीषण गर्मी से परेशान लोगों के लिए खुशखबरी है, इस साल दक्षिण पश्चिम मानसून जल्द आ रहा है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 15 मई को मौसम की पहली बारिश होने की उम्मीद है। इस साल समय से 4 दिन पहले 26 मई को मॉनसून के केरल पहुंचने की भी संभावना है। समय से पहले केरल में दस्तक। आईएमडी के डायरेक्टर जनरल मृत्युंजय महापात्रा ने बताया कि दक्षिण पश्चिम मॉनसून के 15 मई के आसपास दक्षिण अंडमान सागर के निकटवर्ती दक्षिण पूर्वी खाड़ी में पहुंचने की संभावना है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक विस्तारित पूर्वानुमानों में लगातार मॉनसून के समय से पहले केरल में दस्तक देने और उत्तर की तरफ बढ़ने के संकेत मिल रहे हैं। इससे देश के अधिकतर हिस्सों में लोगों को राहत मिलेगी जो पिछले 15 दिनों से भीषण गर्मी झेल रहे हैं। सामान्य रूप से मॉनसून 15 मई तक निकोबार में ही पहुंचता है और 22 मई तक अंडमान के उत्तरी इलाके मयाबुदूर पर छा जाता है। 14 से 16 मई के बीच भारी बारिश। आईएमडी का कहना है कि अगले 5 दिन में अंडमान निकोबार द्वीप समूह में हल्की से मध्यम बारिश होने का अनुमान है। 14 से 16 मई के दौरान कुछ राज्यों पर भारी बारिश होने की संभावना है। 15 और 16 मई को दक्षिण अंडमान सागर में हवा 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती है। 26 मई को मॉनसून के केरल पहुंचने की उम्मीद है। सामान्य रूप से केरल में मॉनसून 1 जून को पहुंचता है। साइक्लोन आसानी के चलते 2 दिन से केरल में बारिश भी हो रही है। वहीं एमपी में 16 मई से प्री मॉनसून। बंगाल की खाड़ी में आए आसानी साइक्लोन की वजह से 16 मई से मध्य प्रदेश में भी प्री मॉनसून दस्तक दे सकता है। इस बार मॉनसून भोपाल, इंदौर, नर्मदापुरम और उज्जैन संभागों में ज्यादा मेहरबान रहेगा। जबलपुर और सागर संभाग में यह सामान्य रहेगा। वैसे मध्य प्रदेश में मॉनसून के आने का समय पहले 10 जून था, लेकिन कुछ सालों में इससे देरी के आने के कारण अब 15 से 16 जून तय किया गया है। अगर कोई अड़चन नहीं आती है तो ऐसी स्थिति में मॉनसून की मध्य प्रदेश से 15 से 16 जून तक आने की संभावना है। भोपाल में यह 20 जून के आसपास पहुंचेगा। जून में तापमान ज्यादा नहीं बढ़ेगा। 70% बारिश दक्षिण पश्चिम मॉनसून से। मॉनसून केरल से शुरू होकर धीरे धीरे पूरे देश में फैल जाता है। इससे देश में कुल बारिश को 70% दक्षिण पश्चिम मॉनसून से ही होती है। भारत में रबी फसलों का आधा इसी मॉनसून पर निर्भर है। सामान्य रहेगा मॉनसून। देश में 40% किसान सिंचाई के लिए मॉनसून पर निर्भर है। खरीफ की फसलों जैसे चावल, कपास, गन्ना, मसूर, चना और सरसों का उत्पादन करने वाले किसान इसी मॉनसून पर निर्भर रहते हैं। इससे पहले मौसम विभाग देश में लगातार 4th साल मॉनसून के सामान्य रहने के आसार जता चुका है। देश के कई हिस्सों में भीषण गर्मी पड़ रही है। गर्मी से लोग बेहाल हैं, लेकिन गर्मी झेल रहे लोगों के लिए बड़ी राहत देने वाली खबर है। खबर यह है कि इस साल दक्षिण पश्चिम मॉनसून भारत में जल्द दस्तक देने वाला है और इसके 15 मई को अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पहुंचने की उम्मीद है। तो अब आप भी तैयार हो जाइए मॉनसूनी मौसम की पहली बारिश के लिए, जो देश में समय से पहले 15 मई को ही दस्तक देगा और इसके साथ ही रिमझिम बारिश होने की उम्मीद है। आपको बता दें, सामान्य रूप से मॉनसून 19 से 20 मई तक अंडमान निकोबार द्वीप समूह पहुंचता है। मॉनसून इस साल समय से 26 मई को केरल पहुंच जाएगा। ये जानकारी यदि आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। हम आपको हर दिन ताज़ा अपडेट से रूबरू कराते रहेंगे। देखते रहें यूएमबी न्यूज़।